जय हिंद दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई भर्ती लेकर आ गया हूं, जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पारा लीगल वॉलेंटियर के लिए यह वैकेंसी है। अगर आप भी मैट्रिक पास हैं और आपका जो उम्र सीमा यानी एज 18 वर्ष से 40 वर्ष है, तो आप इसमें फॉर्म बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कौन सा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार के जॉब है, इसमें कितना सैलरी मिलने वाला है, सब कुछ आपको बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री में, वो भी आपको सही और सटीक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी बारीकी से समझते हैं। दोस्तों देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेतिया के ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूं और यहां पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट में आपको पारा लीगल वॉलेंटियर के लिए यह वैकेंसी है। यहां पर नोटिफिकेशन है, चलिए डाउनलोड करके देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है और कौन सा लोग अप्लाई कर सकते। दोस्तों देखिए, आपके सामने यह नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गया, जो कि विज्ञापन संख्या 01/2022 यहाँ पर देख सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम चंपारण बेतिया पारा विधि स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों यह आपको स्वयं सेवक के लिए है, आपको इसमें सैलरी नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप जिस दिन काम करते हैं उस दिन आपको 500 रुपया इसमें दिया जाएगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में लिखा है कौन आवेदन दे सकते हैं, तो साफ साफ शब्दों में लिखा है ऐसे व्यक्ति पुरुष और महिला जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्ग उत्थान में आपका रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, वह सभी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिटायर शिक्षक हो या आप रिटायर कोई एक्समैन सर्विस हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ नागरिक हो, डॉक्टर हो, छात्र हो, आप सब कोई इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैत्री समूह हो, संगठन है, जीविका दीदी है, कोई भी इसमें दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। केवल वही आवेदन नहीं कर सकते हैं जो पहले से पारा विधिक सेवा स्वयं सेवक हैं या अधिवक्ता हैं, यानी दोस्तों आपको लीगल वॉलेंटियर हैं या आपको एडवोकेट है, वही आवेदन नहीं कर सकते हैं और सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको दो नंबर में लिखा है कि आपका कार्य क्या करना है। दोस्तों आपको जाना है अपने जो पंचायत में, वहाँ पर जो आपको पीड़ित है, वंचित है, उन लोग का इस सभी सेवा का मुहैया कराना है, बताना है कि आपको कैसे कोर्ट में जाना है, यही सब आपको कार्य करना है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा है आपको सहायता केंद्र में विधि सेवा के कार्य के बारे में, यह सब कुछ आपको उन लोग को बताना है और आपको कोई ऐसा केस है तो आपको ले जाना है आपको न्यायालय में, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर में आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या यानी पोस्टों की संख्या 150 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बेतिया के लिए 100 पोस्ट है, बगहा के लिए 50 यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भारत यानी आपको बिहार के किसी भी जिले से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको उसी के पंचायत में आपको काम करना पड़ेगा, यानी बेतिया और बगहा जिले के पंचायत में काम करना है। तो यह भर्ती आपको प्रॉपर एक तरह से बेतिया और बांगा जिला के जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें कर सकते हैं और आप घर बैठे यह सब कुछ कर सकते हैं। आप जब भी बुलाया जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पर आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आरक्षण और आपको इसमें कुछ का लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए कि लिखा है क्योंकि पारा विधि स्वयं सेवक में स्वच्छता के बिना किसी लाभ के कार्य करना है, यानी दोस्तों आपको बिना लाभ के कार्य करना है तो आपको इसमें आरक्षण या सरकारी नौकरी कुछ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर देखिए योग्यता लिखा है कि मैट्रिक पास है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको अच्छा तरीके से सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भरना है और आपको उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी आपको स्वयं प्रमाणित करके आपको हाथों हाथ जमा करना है। कहाँ जमा करना है यह भी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मापदेय लिखा है, यहाँ पर आपको साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जिस दिन आप कार्य कीजिएगा उस दिन आपको 500 रुपये दिया जाएगा। यहाँ तक देख सकते हैं प्रतिदिन के दर से मापदंड आपको दिया जाएगा जिस दिन कार्य कीजिएगा,
आपको उस दिन 500 रुपया मिलने वाली है। तो दोस्तों इसमें अच्छा है कि आपको जानते हैं कि कोर्ट में कितना केस चलता है, अगर प्रतिदिन आप ले जा रहे हैं किसी को आपको, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा मिलने वाला है, यानी अगर आप जाइएगा तो 500 रुपया आपको मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समान अनुदेशक, यहाँ पर भारत के नागरिक हो कौन सा आवेदन कर सकते हैं, इसमें देखिए भारत के नागरिक हो, स्वच्छ आदमी हो, चरित्र अच्छा हो, समाज सेवा में रुचि रखते हैं और सभी व्यक्ति इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, आपको लिफाफा पर ब्लॉग का नाम अंकित करना है, जो भी आप भरिएगा उस पर लिफाफा पर अपने ब्लॉग के नाम अंकित कर दीजिएगा। आवेदन जमा करने के स्थान समय दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिम चंपारण बेतिया, ADR भवन व्यवहार न्यायालय बेतिया परिसर के कार्यालय में हाथों हाथ, दिनांक आप 10 मई तक आप जाकर जमा कर सकते हैं अगर आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं, स्वयं सेवक बनना चाहते हैं। दोस्तों देखिए यही फॉर्म है, आपको जाना है नज़दीकी फॉर्म सेंटर पर और 10 रुपया निकालने के लिए ये लेगा। आप इसको अच्छा तरह के फर्स्ट में आपको आवेदन का नाम, पिता का नाम, यहाँ पर पता जो भी आपका पता है, अस्थाई पता, पत्रचार का पता, यानी दोस्तों अगर आप गांव से आते हैं तो सेम एक ही पता होगा, यहां पर सब कुछ आपको भरना है। उसके बाद योग्यता, उसके बाद अगर अन्य कोई योग्यता है तो वो भी दे सकते हैं। यहां पर आपको जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, यहां पर आपको जाति पर ऐसे टिक लगा देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी देना है, यहां पर आपको जो भी आप पंचायत से आते हैं यहाँ पर सब कुछ लिख देना है, ग्राम पंचायत, ग्राम नगर, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत होने स्थिति में सीमा से लगे 3 ग्राम पंचायत। दोस्तों आपको यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 पंचायत का आपको दिया गया है, आपके जो सीमा से लगे 3 पंचायत है उसको नाम दे दीजिएगा, उस पंचायत में भी आप काम कर सकते हैं। और जो भी आप कैंडिडेट को ले जाते हैं, जो भी आपको वहाँ पर होते हैं जिनके कोर्ट में काम है और ले जाते हैं वहाँ पर, तो आपको 500 रुपया मिलता है, यहाँ पर सब जगह में मिलता है। यहाँ पर थाना का नाम लिखा है, ब्लॉक के नाम लिखना है, अनुमंडल, यहाँ पर आपको तिथि जिस दिन आवेदन दिए दीजिएगा उस दिन डाल देना है, स्थान डाल देना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी ऊपर में आप छोड़ दीजिएगा, नीचे में अपना नाम लिख लीजिएगा, पिताजी का नाम लिख लीजिएगा, अगर पिताजी या माता जो भी है यहाँ पर देख लीजिए, पिता पति का नाम लिख लीजिएगा, अस्थाई पता यहाँ पर, और फोटो भी यहाँ पर चिपका देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और फोटो पर दोस्तों आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सो प्रमाणित लिखा है दोनों फोटो पर, और यहाँ नीचे आपको भरना नहीं है, यहाँ पर लिखा है केवल कार्यालय उपयोग के लिए यह रखा गया है। तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप स्वयं सेवक बन सकते हैं जो कि अपना जिले के कोर्ट में काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो आपको 15,000 रुपये मिल सकता है, लेकिन आप पर डिपेंड है कि आप कितना इसमें काम करते हैं और क्या करते हैं, आप पर यह निर्भर करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।